दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कतर देश के बारे में। कतर देश एक अरबपतियों का देश है और यह एकमात्र देश ऐसा है जो कुल आबादी का 14% कतर पर जिंदा है और बाकी 86% लोग हैं जो बाहर कतर में काम करने के लिए आए हुए हैं। कतर में काम करने वाले लोग 180 देश से आए हैं। अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो सिंगापुर के बाद कतर एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा करोड़पति पाए जाते हैं। कतर के टोटल प्रोपोर्शन में 13% करोड़पति पाए जाते हैं और कतर में इनकम टैक्स नहीं लिया जाता और दूसरे प्रकार टैक्स की मात्रा दुनिया में सबसे कम है। कतर दुनिया का एकमात्र देश है जहां एक भी गरीब आदमी नहीं है। कतर में बाहर से आए हुए लोग की वजह से लड़कों की संख्या ज़्यादा है और कतर की लड़कियां बहुत कम है। कतर में 80% लड़के और 20% लड़कियां पाई जाती हैं। 1971 से पहले कतर ब्रिटेन की एक कॉलोनी था। 1971 में कतर को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। कतर ने अब अपने देश में एक बहुत ही सुंदर आइलैंड बनाया है जो पल्लो कतर नाम से जाना जाता है और यह दुनिया में बहुत मशहूर है। कतर सिर्फ अरब देशों का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पहला देश होगा जो इतना छोटा होकर भी कीबा वर्ल्ड कप पुरस्कार देगा। कतर की 20% लड़कियां घुटनों से ऊपर के कपड़े नहीं पहनती हैं। कतर में दो प्रकार का कानून है। कतर में अगर आप धर्म की निंदा करते हो तो आपको 7 साल की सजा हो सकती है। कतर में शराब पीना या मुस्लिम को शराब बेचना गैर कानूनी है। कतर एक अरब मुल्क है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अरब का सारा पैसा तेल से आता है लेकिन ऐसा नहीं है। कतर का सारा पैसा तेल और फिशिंग करने से आता है। यह थी SM न्यूज की रिपोर्ट।